संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज, मैं हूं जय श्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शर्मा हॉस्पिटल पर आपराधिक मामला दर्ज करवाने और वरिष्ठ पत्रकार नारेश्वर राव को न्याय दिलाने के लिए लेक सिटी प्रेस क्लब हुआ लामबद्ध। कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन, जिम्मेदारों ने जल्द से जल्द जांच कर उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। सैनिकों के सम्मान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली रवाना हुए नन्हे स्केटर्स, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। मिशन पूरा होने पर होगी प्रधान सेवक और राष्ट्रपति से मुलाकात। लावारिस अस्थियों का विसर्जन मंगलवार को हरिद्वार में होगा। महाराणा प्रताप सेना के अस्थि कलश रथ का स्वागत, अभिनंदन कर प्रबुद्धजनों ने किया विदा। और सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने और जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी की पैठ कायम रखने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठकों का दौर जारी, अब चलेगा कार्यकर्ताओं को घर घर दस्तक अभियान। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शर्मा हॉस्पिटल की लापरवाही से आक्रोशित हुए लेक सिटी प्रेस क्लब की। लेक सिटी प्रेस क्लब के दो बार अध्यक्ष रह चुके नारेश्वर राव इन दिनों निजी अस्पताल के चिकित्सक की लापरवाही की वजह से गुजरात के सीम्स अस्पताल के अनुभवी चिकित्सकों की देखरेख में इलाजरत हैं। सोमवार को लेक सिटी प्रेस क्लब के बैनर तले दर्जनों पत्रकारों ने जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक और जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल को ज्ञापन देकर शर्मा हॉस्पिटल के चिकित्सकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए श्री राव को हुई आर्थिक क्षति दिलवाने की अपील की। इस पर शहर के दोनों ही जिम्मेदारों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की बात कहते हुए यथासंभव हर मदद करने का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि दो माह पूर्व वरिष्ठ पत्रकार नारेश्वर राव का भुआना स्थित शर्मा हॉस्पिटल में पथरी का ऑपरेशन किया गया था। साथ ही दौरान ऑपरेशन उनके शरीर में एक स्टेंट भी डाला गया था। बाद में अस्पताल के संचालक डॉक्टर अनिल शर्मा, कुसुम शर्मा और उनके बेटे डॉक्टर धवल शर्मा कुछ दिनों बाद आकर स्टेंट निकालने की सलाह दी। निश्चित तारीख पर जब श्री राव डॉक्टर धवल शर्मा से बात की तो उसने उन्हें तुरंत बुला लिया और दिन भर भूखा रखने के बाद शाम को खुद ही स्टेंट निकाल दी। पता चला है कि धवल शर्मा इस विधा का चिकित्सक है ही नहीं। इस दौरान श्री राव को असहनीय दर्द हुआ और पेशाब के मार्ग से खून भी आया। इस पर धवल शर्मा ने हल्के में लेते हुए दर्द निवारक दवाइयां लिखी और नारेश्वर राव को घर भेज दिया। करीब दो दिन बाद असहनीय दर्द और तेज बुखार की हालत में उन्हें फिर से परिजन शर्मा अस्पताल लाए, जहां धवल शर्मा और उनकी नासमझ टीम ने नारेश्वर राव को भर्ती कर आईसीयू में भर्ती कर दिया और उपचार शुरू कर दिया। आश्चर्य की बात तो यह रही कि दो दिनों तक चले इलाज के दौरान अस्पताल में कार्यरत और बाहर से बुलवाए गए चिकित्सक बीमारी की असली जड़ को पकड़ नहीं पाए और नारेश्वर के सीने में छेद करते हुए सारी नलियां डालकर वहां से इलाज करने लगे। इससे नारेश्वर राव की हालत और बिगड़ गई। इस पर डॉक्टर अनिल शर्मा, कुसुम शर्मा और धवल शर्मा नारेश्वर के परिजनों के पास आए और उन्हें अन्य बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह देते हुए सीम्स अस्पताल की सलाह दी और कहा कि मरीज को हार्ट की प्रॉब्लम है और उन्हें जो इलाज देना चाहिए उसकी व्यवस्था शर्मा हॉस्पिटल में नहीं है, लेकिन जैसे ही मरणासन्न स्थिति में जीवन रक्षक यंत्रों के साथ परिजन नारेश्वर को लेकर सीम्स अस्पताल पहुंचे तो पहले चिकित्सकों ने हाथ खड़े कर दिए और बाद में जब इलाज शुरू किया गया तो महज 15 मिनट में बीमारी पकड़ते हुए कहा कि मरीज की किडनी और गॉल ब्लैडर के बीच एक 4 mm स्टोन फंसा हुआ है। इस वजह से किडनी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है। बाद में चिकित्सकों ने अपना इलाज शुरू कर दिया। सीम्स अस्पताल में नारेश्वर राव के अब तक 3 ऑपरेशन हो चुके और हालत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं बताई जा सकती। ऐसे में सोमवार को लेक सिटी प्रेस क्लब से जुड़े सभी पत्रकार जिला कलेक्टर पहुंचे और जिला कलेक्टर व एसपी से दोषी अस्पताल और उनके संचालकों पर आपराधिक मामला दर्ज करते हुए श्री राव और उनके परिवार को हुए आर्थिक और मानसिक नुकसान की भरपाई करवाने की अपील की। इस पर जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक ने पत्रकारों को आश्वस्त किया कि अगर गलत इलाज की पुष्टि हो जाती है तो आपराधिक मामला जरूर दर्ज किया जाएगा। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल ने भोपालपुरा थानाधिकारी हरेंद्र सौदा को जांच सौंपते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने की बात कही है। इस दौरान प्रेस क्लब के अध्यक्ष रफीक एम पठान, पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह राठौर, अख्तर हुसैन, कुलदीप सिंह गहलोत, अजय आचार्य, भूपेंद्र सिंह चुंडावत, हेमंत मेनारिया, मुनीश अरोड़ा, वीरेंद्र श्रीवास्तव, अजय पोरवाल, कपिल श्रीमाली, ओम पूर्बिया, प्रदीप सिंह भाटी, निर्मल चौबीसा, संपत बापना, अब्बास रिजवी, अमीर शेख, भूपेंद्र सिंह राव, शकील मोहम्मद, विनोद माली, राम सिंह, प्रकाश मेघवाल सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद थे। आज लेक सिटी प्रेस क्लब की ओर से जिला कलेक्टर महोदय, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन देकर हमारे वरिष्ठ साथी नारेश्वर राव, जो कि
एक बीमारी से जूझ रहे हैं, एक अस्पताल की लापरवाही की वजह से उनका शर्मा अस्पताल के अंदर एक ऑपरेशन किया गया था जहां कुछ लापरवाही हुई और उनसे उनकी हालत चिंताजनक हो गई। उन्हें विशेष इलाज के लिए अहमदाबाद ले जाया गया जहां उनका उपचार अभी तक चल रहा है, उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो हमने इन दोनों अधिकारियों से ये मांग की है कि इसमें जो लापरवाही बरतने वाले अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, कानून सम्मत जो भी कार्रवाई हो एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाए ताकि भविष्य में और अन्य रोगियों के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ न हो, तथा जो भी राहत संभव हो पीड़ित पत्रकार भाई नारेश्वर को दिलवाई जाए। सच्चे मन से की गई मेहनत व लगन आपको सफल जरूर बना देती है। ऐसा ही एक उदाहरण और नवाचार पेश किया है लेक सिटी उदयपुर के आयड़ इलाके में रहने वाले एक युवा ने, जिसने कबाड़ व जुगाड़ के सामान को संग्रहित कर एक फैन मेंडिंग मशीन बना डाली जिसकी बाजार में कीमत 14,000 है, जबकि इमरान मुल्तानी नाम के युवा द्वारा बनाई गई जुगाड़ मशीन की लागत केवल 300 रूपये है। पेश है एक रिपोर्ट। उदयपुर के आयड़ क्षेत्र के शबरी कॉलोनी निवासी इमरान मुल्तानी, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र है, उसने कबाड़ से एकत्रित लोहे की एंगलों, साइकिल की चेन, सॉकेट व बेयरिंग की मदद से एक फैन वेंडिंग मशीन बनाई है। इस मशीन को बनाने में उन्हें 3 दिन का समय लगा। इस मशीन के एक साइड पर साइकिल की चेन सॉकेट के साथ पैड लगाया गया है जिसके माध्यम से दूसरी ओर लगे वेंडिंग में कॉपर जल्दी से जल्दी बांधा जा सकता है। आमतौर पर पंखे की मोटर जल जाने पर उसमें कॉपर बांधने में करीब 6 घंटे का समय लगता है और इस काम में लगे वेंडर इसे 1 दिन में पूरा नहीं कर पाते हैं और इस मोटर की कॉपर वेंडिंग में करीब 3 से 4 दिन का समय भी लग जाता है। इस वेंडिंग मशीन द्वारा इस काम को केवल 45 मिनट में पूरा किया जा सकता है। जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान मुल्तानी है। मैं एक सेकंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, एसएस कॉलेज का छात्र हूँ। मैंने एक फैन वेंडिंग मशीन बनाई है जिसकी कॉस्टली सिर्फ 300 रूपये। ये मैंने जुगाड़ और कबाड़ के सामान से बनाई है। इसमें टोटल खर्चा 300 रूपये आया है। अगर आप जैसे कि जो मिडिल वर्ग के जो लोग होते हैं, जो जिनको रोजगार में इस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, उनको उसके व्यवसाय में कार्य करने में 2 से 3 दिन लगते हैं। इसकी टोटल वाइंडिंग करने में 6 से 8 घंटे लगते हैं और इसमें मिनिमम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, जिससे वो आसानी से रोजगार कमा नहीं पाते हैं और इससे उनको अधिक समय में कम व्यवसाय का मूल मिलता है। अपने जज्बे और हौसले से फैन वेंडिंग मशीन का निर्माण करने वाले इमरान ने बताया कि बचपन में कई बार घर में पंखे जल जाने पर मोटर वेंडिंग का काम करने वाली दुकान पर जाया करता था। इस दौरान पंखे में कॉपर बांधने में काफी समय लगता था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इमरान ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ ही इस मशीन को बनाने की ठानी थी, जिसे उन्होंने पूरा किया। उन्होंने बताया कि इस मशीन को बनाने का उनका मकसद यह है कि ऐसी मशीनें जो इन दिनों बाजार में उनकी कीमत करीब 14,000 से 15,000 रूपये है, जिन्हें खरीदना इन काम में लगे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। इस मशीन को ईजाद करने में उन्होंने बेयरिंग, लोहे की एंगले व साइकिल का चैन सॉकेट का उपयोग किया है, जिसका खर्चा केवल 300 रूपये आया है। इमरान द्वारा ईजाद की गई मशीन से अब वे उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। आमतौर पर इसमें लगे कारीगर को कॉपर बांधने में काफी वक्त लगता है और आमदनी भी इतनी नहीं हो पाती है। इस मशीन से अब इस व्यवसाय से जुड़े लोग 1 दिन में 4 से 5 कॉपर वेंडिंग कर सकते हैं। यह मशीन निम्न वर्ग के लोगों आमदनी बढ़ाने में खासी मदद करेगी। इसमें इसके जो कॉइल में 4 कॉपर की वाइंडिंग की जाती है, कॉपर या एल्यूमिनियम, और अंदर स्टार्टिंग और रनिंग का होता है। अंदर की टर्न्स होते हैं 220 और बाहर की होते हैं 250 या 280। ये पंखे की मोटर के ऊपर डिपेंड होती है। जी, मैं एक बार फैन वाइंडिंग करने गया था एक दुकान पर, तो मैंने उनकी फैन वाइंडिंग करते हुए देखा तो वो हाथ से कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भैया इसमें कितना समय लगता है। उन्होंने बताया कि 6 से 8 घंटे लगते हैं। मैंने भैया फिर आप रेगुलर कर नहीं पाते हो, तो उन्होंने बताया कि इसको करने में 2 से 3 दिन लगते हैं और जिसकी वजह से उनकी अच्छी आमदनी भी नहीं हो पाती है। मैंने जो फैन वाइंडिंग बनी है उसमें वाइंडिंग से 45 से 1 घंटे में हो जाती है, जिससे इस वर्क से जुड़े हुए लोगों को अच्छी खासा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि कम समय में
और कम लागत में आप आसानी से फैन वाइंडिंग कर सकते हैं। महाराणा प्रताप सेना उदयपुर की ओर से पिछले कई वर्षों से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। यही नहीं, प्रताप सेना की ओर से वर्ष में एक बार इन सभी अस्थियों का सामूहिक विसर्जन विधि विधान से हरिद्वार में किया जाता है। इसी कड़ी में सोमवार को लगभग 126 लोगों की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए अस्थि कलश रथ मोक्ष धाम से हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर महाराणा प्रताप सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इन सभी अस्थियों को मंगलवार को हरिद्वार के गंगा घाट पर विधि विधान से सामूहिक रूप से विसर्जित किया जाएगा। अस्थि रथ के साथ महाराणा प्रताप सेना का एक दल भी रवाना हुआ है जो हरिद्वार में जाकर विधि विधान से अस्थि विसर्जन करेगा। प्रताप सेना की ओर से पिछले एक वर्ष में 126 लावारिस और आर्थिक रूप से असक्षम लोगों का दाह संस्कार किया गया है। मोहन सिंह राठौड़, महाराणा प्रताप सेना प्रमुख। महाराणा प्रताप सेना का गठन लावारिस शवों व अस्थियों का विसर्जन करने का कार्य कर रहा है, ब्लड रक्तदान शिविर का कार्य कर रहा है और 2007 से लेकर अब तक करीब 1200 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार महाराणा प्रताप सेना द्वारा किया जा चुका है। महाराणा प्रताप सेना की टीम निरंतर हीरालाल साहू, प्रकाश प्रजापत, कान सिंह राणावत, करण सिंह, मनोहर सिंह और जो समस्त पूरी टीम है, जो एक्टिव, जो भी राजस्थान पुलिस, रेलवे पुलिस, सेंट्रल जेल, संभाग भर में अभी हम 9 जिलों में कार्य कर रहे हैं और हिंदू समाज का अगर है तो हिंदू समाज की स्थिति से और अन्य धर्म से है तो वो उनकी स्थिति से, ये महाराणा प्रताप की जो पूरी हकीमगढ़ सूरी, बिलू राणा, भामासा, जाला मन्ना जो पूरी टीम है वो उसी तरह की ये पूरी टीम बनी हुई है और वर्ष में एक बार, इस वर्ष हमको पुलिस ने 126 लावारिस बॉडी जो सौंपी थी संभाग भर से, उनकी अस्थियां हैं आज यहां से रवाना होंगे और कल शाम को वहां हरिद्वार में विसर्जन होगा। महाराणा प्रताप सेना द्वारा आज हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम के तो पधारे हमारे परमादरणीय शांतिलाल जी चपलौत साहेब, डागलिया साहेब, मोहन सिंह जी राठौर साहेब, कमलेंद्र सिंह जी, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, वास्तव में हमारे लिए एक गौरव की बात है कि हम उस परंपरा को, उस रीति नीति को, उस संस्कृति को जो हिंदू धर्म में जिसको वैदिक काल से मान्यता मिली हुई है कि मृतक की अस्थियों का कहीं न कहीं अच्छे जल में विसर्जन होना चाहिए और इसी निमित्त प्रताप सेना यह कार्यक्रम कर रही है। जैसी हमारी मान्यता है कि अस्थियों के विसर्जन के साथ ही उन्हें मृतात्मा को शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है और यह जो अस्थियां है ये वास्तव में कहीं किसी गलत जगह पर न जाए, यह भी एक तरह से इसका बचाव है कि वहां प्रवाहित की जाती है तो इसका सम्मान बना रहता है। एक बार महाराणा प्रताप सेना के सभी कार्यकर्ताओं को एक बार साधुवाद कि आप लोगों ने यह एक पुण्य कार्य जो वास्तव में बिरले लोग ही कर पाते हैं हाथ में लिया और लगातार वर्षों से इसे संपन्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी इस बात की जानकारी मिलती है कि हमारे संस्कार, संस्कृति, रीति नीति क्या रही है, एक दूसरे को आगे से आगे जानकारी मिलती है। एक बार फिर से इन सबको साधुवाद। हमारे यहाँ मोक्ष की कामना की गई है और जीवात्मा 84 लाख जीवाजोनी में घूमने का बाद बड़ी मुश्किल से मानव देव प्राप्त करती है और उस मानव देव को प्राप्त करने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। यहाँ पर हमारे धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार आत्माओं का मोक्ष होना आवश्यक है या उनके पिंडदान होना आवश्यक है। अब जो लावारिस लाशें कई मिल जाती हैं, हमारे महाराणा प्रताप सेना ने और उनके साथियों ने, मोहन सिंह जी हैं और पंवार साहब हैं, ये सब इन्होंने हैं, ये सब लोग इसको निभा रहे हैं, ये बहुत ही उत्तम कार्य है। उस कार्य के लिए इनको बहुत आभार प्रदर्शन करते हैं कि कौन आज तो अपना लड़का भी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि अमेरिका में बच्चे जब यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ से हमारे बच्चे अमेरिका में, तो वो अपने पिताजी के लिए कहते थे कि इनका लाश चला देना और मैं आपके खर्चा भेज दूंगा। तो वो स्थिति जो लड़का नहीं निभा सकता है, ये लोग करके इसको कर रहे हैं, इससे ज़्यादा बढ़िया काम क्या हो सकता है। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और आदरणीय महापौर साहब पधारे, आदरणीय डागलिया साहब पधारे और मोहन सिंह जी और उनकी पूरी टीम, आदरणीय पंवार साहब सब पधारे, उन सबका भी बहुत बहुत आभार और मृत आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भगवान से
प्रार्थना करते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम ग्लेदिन त्यापो न शोषति मारुत। ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है और उनकी आत्मा को शांति मिले और वे मोक्ष को प्राप्त हों और अगले जन्म में फिर इस देश की सेवा में वे आत्माएं आए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार। मोहन सिंह जी और उनकी पूरी टीम, महाराणा प्रताप सेना के लोग जो कार्य बरसों से कर रहे हैं, ऐसे लोगों का जिनका उदयपुर में कोई नहीं है और एक अकस्मात उनकी डेथ हो जाती है और वो बॉडी पता ही नहीं लगता परिवार वालों को और लोगों को, जब पुलिस वाले इनको फोन करते हैं और तब ये यहाँ लाकर उनको अपने परिवार की तरह से उनको जलाते हैं, उनके लिए सारा क्रियाक्रम जो होना चाहिए उस तरह से करके उन लोगों के बाद शव जलाने के बाद आज वो अस्थियां सारी इकट्ठी की है। और प्रतिवर्ष मुझे भी आने का अवसर प्राप्त होता है और इस साल भी मैं इनके बीच में आया हूँ। ये सारी इनकी फूल लेके वहाँ मथुरा हरिद्वार में जाएंगे और वहाँ मंगलमय नदी में उन बहाकर उनके आत्मा के लिए कामना करेंगे। मैं एक बार यहाँ के सभी महाराणा प्रताप के मोहन सिंह जी और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में माधव कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स पेश करता है कन्वर्टेड प्लॉट, उदयपुर वासियों हेतु निवेश करने का सुनहरा अवसर। उदयपुर से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर साकरोदा टोल से पहले, मुख्य सड़क से मात्र 600 मीटर की दूरी, आबादी के मध्य, 251 रुपए में कन्वर्टेड प्लॉट, सिर्फ और सिर्फ 51,000 रुपए की डाउन पेमेंट व बकाया राशि किश्त के आधार पर। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा गांव से मात्र 600 मीटर की दूरी पर, पहले आओ पहले पाओ। हरा भरा वातावरण, ग्रेवल रोड, नियम शर्ते लागू। माधव कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स, एड्रेस 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। शादी को बरसों बीत गए लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने रीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी जब नील कंठ पे नजर पड़ी। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी अब नन्हे मुन्हे बच्चे की, घर में फुलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर। रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ मदरहुड। थैंक यू नीलकंठ। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपए डाउन पेमेंट और 3100 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपए डाउन पेमेंट और 3600 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपए डाउन पेमेंट और 4700 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना, 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं, पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसूरिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड उदयपुर। कॉलेज 7340034134, 8890669683।
डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे वी आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, कालापानी मोतियाबिंद नाखूना नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन आरके एंड लेजर, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉरपोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान, कॉल इट 2561600, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी, रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ, काफी भीड़ भी जमा हो गई थी, भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया, मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला, उफ पापा क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला, पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठीबाग भट्ट जी की बाड़ी उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में 1 मई से 6 मई तक एशियन पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में 18 देशों के 250 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता को लेकर रविवार को प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस मौके पर एशियन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप के महासचिव राजेश तिवारी, सिंधी अकादमी के अध्यक्ष हरीश राजानी, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री जगदीश राज श्रीमाली सहित कई लोग मौजूद थे। चैंपियनशिप के महासचिव राजेश तिवारी ने बताया कि पूर्व में भी यही प्रतियोगिता उदयपुर में आयोजित की जा चुकी है और इस दौरान प्रतियोगिता के सफल आयोजन को ध्यान में रखते हुए इस बार फिर मेजबानी करने का मौका उदयपुर को मिला है। पावरलिफ्टिंग में उदयपुर के कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को जीता है और इस प्रतियोगिता में उदयपुर के कई खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। एशियन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप हो रही है जिसमें कुल मिला के 18 देश हिस्सा लेंगे, जिसमें मुख्य रूप से शामिल हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडोनेशिया, जापान, चाइनीज ताइपे, इराक, ईरान, जो कि कठिन भारत को प्रतिस्पर्धा करेंगे भारत के साथ। और जहां तक खिलाड़ियों का सवाल कि इसके इस प्रतियोगिता में 200 के ऊपर खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। पहली बार 18 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस प्रतियोगिता से भारतीय खिलाड़ियों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा, उन्हें एक्सपोजर मिलेगा और भारत इस प्रतियोगिता में कम से कम 30 मेडल लेने की आशा करता है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा।
तो हमारी हम उम्मीद करेंगे कि काफ़ी संख्या में लोग आएँ, खिलाड़ी आएँ और इस प्रतियोगिता को देखें। और उदयपुर में यह प्रतियोगिता काफ़ी कठिन परीक्षा के बाद दी गई है, जिसमें शामिल थे उदयपुर के साथ प्रतिनिधि देश के रूप में शामिल थे जकार्ता, फिलीपाइंस यानी मनीला और हमारा भारत की तरफ से उदयपुर। और इस प्रतियोगिता को उदयपुर को इसलिए दिया गया क्योंकि एशिया में काफ़ी खिलाड़ी पावर लिफ्टिंग खेलते हैं और उदयपुर से कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भारत ने दिए हैं। कश्मीर में भारतीय सेना के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के विरोध में और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश को लेकर सोमवार को लेक सिटी के तीन नन्हे मुन्हे स्केटर्स दिल्ली के लिए निकले। ये नन्हे स्केटर्स उदयपुर से दिल्ली तक सड़क मार्ग पर स्केटिंग करते हुए देश की राजधानी तक करीब 750 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली पहुंचने के बाद ये स्केटर्स राष्ट्रपति और प्रधान सेवक से मुलाकात कर भारतीय सेना को पूरा सम्मान दिलाने को लेकर ज्ञापन देंगे। उदयपुर से दिल्ली तक की जाने वाली स्केटिंग यात्रा को लेकर स्केटर्स जगत प्रताप सिंह गहलोत, कृष्णा कमर गहलोत और दिया कंवर सोमवार को अपने कोच मंजीत सिंह के साथ उदयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस मौके पर बड़ी तादाद में शहरवासियों ने अनहे स्केटर्स का जोरदार स्वागत कर इन्हें विदा किया। स्केटिंग के कोच मंजीत सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में भारतीय सेना की जो स्थिति है वह सम्मानजनक नहीं है, साथ ही बेटियों के संरक्षण के प्रति भी अभी तक समाज में जागरूकता नहीं आई है। समाज में सेना के जवानों के प्रति सम्मान को बढ़ाने और बेटियों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस स्केटिंग रैली का आयोजन किया गया है। स्केटिंग का यह तीन सदस्यीय दल और उनके कोच रोजाना 70 से 100 किलोमीटर स्केटिंग करते हुए करीब 10 दिनों के बाद दिल्ली पहुंचेंगे। उदयपुर से रवाना हुआ यह दल नाद्वारा, राजसमंद, भीम, ब्यावर, जयपुर, नोएडा होते हुए दिल्ली पहुंचेंगे। साथ ही इस स्केटिंग दल के साथ मेडिकल के अलावा सभी तरह की सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इस यात्रा को लेकर लेक सिटी के नन्हे स्केटर्स में खासा उत्साह नजर आया। स्केटर्स ने कहा कि उन्हें गर्मी के मौसम और दिल्ली की दूरी को लेकर किसी तरह का भय नहीं लग रहा है। सोमवार को स्केटर्स का नादवारा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। नादवारा नगर पालिका के चेयरमैन सहित वहां के प्रबुद्धजनों ने स्वागत कर आगे की ओर रवाना किया। वहीं शाम को राजसमंद के जिला कलेक्टर ने इन ऊर्जावान स्केटर्स का स्वागत किया। बाद में सभी स्केटर्स ने अपनी केलवा तक की यात्रा पूरी की और बस से फिर राजसमंद के मेवाड़ क्लब पहुंचे, जहां रात्रि विश्राम के बाद मंगलवार सुबह फिर आगे के लिए रवाना होंगे। श्रीराम स्केटिंग क्लब की तरफ से ये तीन बच्चे यहां से उदयपुर से स्केटिंग करते हुए दिल्ली तक जा रहे हैं और इनका उद्देश्य है भारतीय सेना का सम्मान हो और बेटियों का सम्मान हो, उसी को उद्देश्य को लेकर यहां से स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं। ये करीब 70 से 100 किलोमीटर रोज स्केटिंग करेंगे और 8 से 9 दिन में दिल्ली पहुंचने का इनका टारगेट है। 8 से 9 दिन वहां जाके किस तरह मुलाकात करेंगे? वहां जाके हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि जो आज भारतीय सेना का जो हाल कश्मीर में हो रहा है कि वो अपने सभी को छोड़ के और देश के लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं और वहाँ पे जाके पता चलता है कि उनके ऊपर पथराव हो रहा है और उनके ऊपर मारपीट हो रही है, फिर उसके बाद में उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है, तो ये बहुत निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उनसे ये अवगत कराएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए और भारतीय सेना का सम्मान होना चाहिए और आज उदयपुरवासी जो बच्चों का मनोबल बढ़ाने आए हैं उनका हम बहुत बहुत आभारी हैं। कितने लोगों की टीम जा रही है? तीन बच्चे हैं और तीन बच्चों के साथ में हम तीन कोच हैं जो साथ में जाएंगे और हमारे साथ में जब पता चला कि यहाँ से स्केटिंग करते हुए जा रहे हैं तो रिटायर्ड हमारे डॉक्टर साहब है, विंग कमांडर डॉक्टर साहब, जो कि इनको पता चला तो इन्होंने कहा कि मैं साथ चलूंगा और बच्चों को कोई भी तकलीफ ना हो उसके लिए डॉक्टर की भूमिका निभाते हुए साथ में आएंगे। मेरा नाम जिया कंवर है और हम अभी निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। सबसे पहले हम राजसमंद जाएंगे, उसके बाद भीम, उसके बाद आगे ऐसे ही चलते रहेंगे, रोज का 70 से 100 किलोमीटर करेंगे। इस तरह का डर तो नहीं लग रहा है इतनी लंबी यात्रा? नहीं, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग 8 से 9 दिन में ये हमारी यात्रा पूरी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के रोज प्रैक्टिस पे जाते हैं, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग कर सकते हैं ये सब। लगातार असर तो देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी और इस गर्मी में मतलब स्केटिंग करना बहुत मुश्किल है, पर हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि हम स्केटिंग करते रहे। मेरा नाम कृष्णा कंवर गहलोत है और जैसा कि हम आज निकल रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि हम कुछ अपने देश के सैनिकों के लिए करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कश्मीर में जो हो रहा है उसके लिए अभी इतना कोई कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग यहाँ उदयपुर से दिल्ली तक स्केटिंग करें और पूरे हिंदुस्तान को जागरूक करें सैनिकों के लिए।
जैसा कि अभी मैं कहना तो नहीं चाहूंगी, पर जैसे हाल ही में श्रीदेवी जी का जब देहांत हुआ था तो उनके लिए तो काफी कमेंट चले, कई महीनों कई दिनों तक चले, पर जो सैनिक जो उसी वक्त जब शहीद हुए थे उनके लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, तो इसलिए हम देश को जागृत करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहाँ आपको मिलेंगे आसान मासिक किस्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें, 900 वर्ग फुट पर मात्र 14200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें, 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22500 रुपए डाउन पेमेंट, 5000 रुपए की 79 आसान मासिक किस्तें। मुख्य विशेषताएं, डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देवारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, नियम व शर्तें लागू, आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेड़वास ट्रांसपोर्ट नगर के पास ट्रांसपोर्ट रोड उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉलरेज जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूनम फर्नीचर, सुप्रीम गोदरेजेस, फैसवुड, सेलो और डिटेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला, हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में टर्नकी प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ, उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला, 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध है, 31,000 रुपए में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल, 2 अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कम्बल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर, घर के आंगन से लेकर ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए, एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मगरी मेन रोड, उदयपुर। मुझे घर बदलने से नफरत है, पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहाँ आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800 532 44 44। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर, अपनी शान। एक्वा ग्रुप, भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इम्प्रूव की जापानी तकनीक TPM का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे TPM में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क, वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महावीर एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महावीर एंटरप्राइजेस, मेवार मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। फोन 0294241-4256, मोबाइल नंबर 9414122216।
ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आठी फार्टी लिटराटी ईना मीना ऑन वीणा शंभु शिकारी। हेलो अफ्री, अब पानी ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्युलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनालिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैब सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन ग्लास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरी वेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, जुरेल स्टोन, जीनीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरी वेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइट प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, सीपी फिटिंग, एक्सक्लूसिव शार्स, अलाइट प्रोडक्ट्स, टाइल इजी एफ, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, इजी फायर, इजी मास्टर, इजी ग्राउट। नव्या एंटरप्राइजेस, वॉल एंड फ्लोर टाइल सैनिटरी बाथ एक्सेसरीज, शॉप नंबर 56 सत्यम स्ट्रीट अपोजिट पुलिस स्टेशन गोवर्धन ग्लास उदयपुर। कॉल इट 9828058230। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। संकल्प इंफ्रास्ट्रेट और डेवलपर्स की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और इस नव वर्ष के उपलक्ष्य पर हम आपके लिए लाए हैं नव वर्ष का ऑफर, पहले आओ पहले पाओ। पहली 5 प्लॉट बुकिंग पर फ्री कूलर, अगली 10 बुकिंग पर फ्री फेयर, अगली 20 बुकिंग पर फ्री प्रेस। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रेट एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प, संकल्प इंफ्रास्ट्रेट एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपए डाउन पेमेंट और 3100 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें, 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपए डाउन पेमेंट और 3600 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें, 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपए डाउन पेमेंट और 4700 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना, 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं, पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास आसूरिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रेट एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड उदयपुर। कॉल इट 7340034134, 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी भुवाना मंडल की ओर से सोमवार को एक आपात बैठक आहूत की गई। बड़ी में स्थित एक कार्यकर्ता के निवास पर आयोजित इस बैठक में मंडल अध्यक्ष गिरीश शर्मा, महामंत्री राजेश जोशी, मनोहर सिंह राव, उबेश सुथार, मुकेश जोशी सहित कई कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की विकासोन्मुखी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए एडी चोटी का दम लगाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को सचेत किया कि वह अभी से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर निवारण के प्रयास करें, साथ ही पार्टी के प्रति मतदान करने के लिए उन्हें जागरूक करें और ज्यादा से ज्यादा सदस्य संख्या बनाकर भारतीय जनता पार्टी को और आगे बढ़ाएं। सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद आगामी दिनों में जयपुर और दिल्ली में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जहां चुनावों को लेकर सभी पदाधिकारियों को जनता से संवाद और पार्टी के प्रचार के प्रति प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं गिरीश शर्मा, भारतीय जनता पार्टी मोहना मंडल अध्यक्ष। आज भाई हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मन की बात को सुनने का संकल्प हमने सभी साथियों ने लिया और एक मासिक बैठक
को भी साथ में आयोजित करते हुए हमने नरेंद्र भाई मोदी की मन की बात सुनी और उसके बाद हमारे जो आने वाले समय में चुनाव है उसकी तैयारी हेतु हमने सभी युवा मोर्चा और समस्त प्रकोष्ठ और के अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को आने वाले समय में 21 सदस्य की जो बूथ कार्यकारिणी तैयार करनी है उसके लिए हमने सबको आगाह किया कि उस चीज को कंप्लीट करके 31 मार्च तक उसको हमारे को संगठन जयपुर में भेजनी है, तो उसको कंप्लीट करके हमारे भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कैसे बढ़े जल्दी से जल्द बढ़ा के उसको पूर्ण करने की अपेक्षा की। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। मैं देवेंद्र साहू शहर जिला मंत्री और भुवाणा मंडल प्रभारी के नाते इस बैठक में शामिल हुआ हूँ। नियमित हमारी संगठनात्मक बैठक के अनुरूप यह मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के मन की बात का सभी के सामने सुना गया और हमारी मंडल की चर्चा हुई। मंडल की मासिक बैठक के अनुसार पिछली बार में जो चर्चा हुई उसका इम्प्लीमेंट क्या हुआ और अभी वर्तमान में हमारे मंडल में क्या क्या समस्या है उसका निराकरण के लिए आगे हमारे जनप्रतिनिधियों से बात करके उसका समस्या का निराकरण करें और हमारे संगठन का जनाधार कैसे मजबूत हो। हमारा प्रत्येक वर्ग हमारे मंडल की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े, सर्वस्पर्शी हमारा विचारधारा का फैलाव हो और ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए हम चुनाव की रणनीति के अनुरूप मंडल की बैठक में चर्चा करते हुए हमने ये मंडल की बैठक आयोजित की। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। शर्मा हॉस्पिटल पर आपराधिक मामला दर्ज करवाने और वरिष्ठ पत्रकार नारेश्वर राव को न्याय दिलाने के लिए लेक सिटी प्रेस क्लब हुआ लामबद्ध। कलेक्टर और SP को सौंपा ज्ञापन, जिम्मेदारों ने जल्द से जल्द जांच कर उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। सैनिकों के सम्मान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली रवाना हुए नन्हे स्केटर्स, जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। मिशन पूरा होने पर होगी प्रधान सेवक और राष्ट्रपति से मुलाकात। लावारिस अस्थियों का विसर्जन मंगलवार को हरिद्वार में होगा। महाराणा प्रताप सेना के अस्थि कलश रथ का स्वागत, अभिनंदन कर प्रबुद्धजनों ने किया विदा। और सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने और जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी की पैठ कायम रखने के लिए कार्यकर्ताओं की बैठकों का दौर जारी, अब चलेगा कार्यकर्ताओं को घर घर दस्तक अभियान। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।